लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के निवासियों के घरों तक पीएनजी गैस पाइपलाइन पहुंचाने तथा कोटा में प्राकृतिक गैस आधारित नए उद्योगों की स्थापना की संभावनाओं को तलाशने की पहल कर दी है। इस उद्देश्य से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा मंत्रालय के अन्य एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता ओम बिरला ने की। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड द्वारा कोटा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए गेल के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि पीएनजी सीएनजी जैसे विकल्प न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि पर्यावरण को भी स्वच्छ रखते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कार्य में तेजी लाते हुए अधिक से अधिक घरों को पाइपलाइन आधारित गैस सुविधा उपलब्ध करवाएं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम लोगों के लिए सुरक्षित एवं सस्ते ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसके अलावा ऐसी संभावनाओं की भी तलाश की जाए जिससे कोटा में गैस आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सके। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड और गेल की पार्टनरशिप में दोनों कंपनियां मिलाकर आने वाले समय के अंदर 10,000 घरों पर दिसंबर तक पाइपलाइन के द्वारा गैस पहुंचाने का काम करेगी और अगले 5 साल के अंदर 1,00,000 मकानों तक लोगों को गैस घरों पर पहुंचाने का काम करेगी। कोटा के अंदर सभी इंडस्ट्री सेक्टरों का सर्वे कराकर जितनी गैस की आवश्यकता है उसकी पूर्ति सुनिश्चित की जाए। कोटा में 2,00,000 घर है, उसमें से 1,00,000 घर में पाइप गैस पहुंचने की स्थिति है और उसमें 10,000 घरों तक पहुंची है। हमारी लक्ष्य है कि उसको लगभग 1,00,000 घर तक पहुंचा देना।